हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस योजना के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो भी पता करने वाले हैं कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है और इस योजना के तहत आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इस योजना के बारे में जानते हैं संपूर्ण जानकारी और इसका आवेदन हमें कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, अगर मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो वेबसाइट है वो गूगल क्रोम के अंदर अच्छे प्रकार से नहीं चल रही है, इसे आपको मोजिला फायरफॉक्स में ही इसे ओपन करना होगा अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसके सर्च बार में पीएम विश्वकर्मा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है पीएम विश्वकर्मा .gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर आपके सामने जो तीन लाइन दिख रही हैं इन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस योजना के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अबाउट स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड इलिजिबल हैं। यहां पर दोस्तों आपको हर प्रकार की जो ट्रेड हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप एक सुनार हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप राजमिस्त्री हैं यानी आप चिनाई का काम करते हैं, टाइल लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप कुम्हार हैं तो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप दर्जी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, धोबी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप लोहार हैं। यानी कि दोस्तों, इसके अलावा यहां पर जितने भी आपके लिए ट्रेड दिए गए हैं उनमें से आप कोई भी काम करते हैं तो इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इस योजना में मिलने वाले बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों स्कीम बेनिफिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इस योजना का फायदा है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट आपके काम से संबंधित दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपके काम की ट्रेनिंग भी आपको इस योजना के तहत दी जाएगी और जितने दिन आपको ट्रेनिंग करनी होगी उसके आपको प्रतिदिन 500 रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके काम से संबंधित टूलकिट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए का ग्रांट भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा और अगर आप इसे 18 महीने में वापस जमा कर देते हैं तो आपको अगला जो लोन मिलेगा वो 2,00,000 का मिलने वाला है और इसे आपको 30 महीने के अंदर वापस से रीपेमेंट करनी है, जमा करना है। अब दोस्तों तो बात कर लेते हैं कि इस लोन पर आपको कितना ब्याज देना होगा, तो 5% इस लोन पर आपको ब्याज देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट से मार्केटिंग सपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की यहां पर मार्केटिंग सपोर्ट चाहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अनेक प्रकार के आपको फायदे मिलने वाले हैं। चलिए अब सीखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको तीन लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर CSC लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको CSC लॉगिन के अंदर CSC रजिस्टर वाले ऑप्शन पर यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको CSC आईडी और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन है केवल CSC VLD ही कर सकता है, इसके अलावा आपका कोई भी आवेदन नहीं कर पाएगा। यानी कि दोस्तों आप घर बैठे अपना आवेदन नहीं कर सकते, आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना आवेदन करवाना होगा। अब दोस्तों अगर आपके पास CSC
सीएससी सेंटर है ये आप सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कैसे होने वाला है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या प्रोसेस पूरी रहने वाली है, तो चलिए दोस्तों अब सीख लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपको अपना यूजर नेम यानी सीएससी आईडी यहां पर फिल करनी है, अपना पासवर्ड फिल करना है और ये जो कैप्चा कोड यहां पर आप देख पा रहे हैं ये कैप्चा कोड यहां पर आपको लिखना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने रजिस्टर नाउ का ऑप्शन ओपन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहला सवाल है इस योजना का कि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन इंक्लूड होगा, आपकी पत्नी या आपका पति या फिर आपका 18 साल या उससे अधिक का बच्चा जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनमें से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस योजना की दूसरी शर्त है, क्या इस योजना के जैसी जो अन्य स्कीमें हैं उनका आपने लाभ ले रखा है, यानी कि दोस्तों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीमें चला रखी हैं जैसे पीएम स्वनिधि और मुद्रा योजना, इन योजनाओं का लाभ अगर आपने पहले ले रखा है और आप यस पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर आपने पहले से इन योजनाओं का लाभ ले रखा है फिर भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रखा तो आपको नो पर क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वह मोबाइल नंबर आपको यहां पर लिख देना है। लिखने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर आपको लिखना है और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं ये जो नंबर यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपको यहां पर लिख देने हैं। यहां पर जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे यहां पर आपको लिखने हैं। लिखने के बाद दोस्तों यहां पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, वह ओटीपी यहां पर आपको फिल कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस ऑप्शन पर आते ही सबसे पहले आपको अपनी बायोमेट्रिक मशीन को अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा, आधार वेरिफिकेशन। यहां पर आपको आपका आधार नंबर दिखा दिया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको टिक करना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा, कैप्चर टच टू स्टार्ट स्कैन। अब दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको फिंगर को स्कैन करना है यानी अंगूठे को मशीन पर रखना है और उसे स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करते हैं आप इस फॉर्म के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको अब तीन प्रकार की डिटेल यहां पर फिल करनी होगी, पहली पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरी क्रेडिट सपोर्ट इंफॉर्मेशन, तीसरी स्कीम बेनिफिट इंफॉर्मेशन और चौथी डिक्लेरेशन की डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। तो दोस्तों यहां पर चलिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब इस फॉर्म की दे देते हैं। तो अब आपको दोस्तों नीचे आना है। अब यहां पर दोस्तों आपका पूरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, आपके फादर या पति का नाम दिखेगा। इसके अलावा यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक दोस्तों ये जो डेटा है आपके आधार कार्ड से उठा लिया जाएगा। अब यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल करना है, इस ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको डिटेल फिल करनी है कि आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या डिवोर्स हैं। अब दोस्तों आप अगर मैरिड हैं तो आपको मैरिड वाला ऑप्शन फिल करना है, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड वाला, जो भी आप हैं वो ऑप्शन यहां पर आप फिल कर सकते हैं। आपका जेंडर दोस्तों यहां पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। अब यहां पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है कि आप किस कास्ट कैटेगरी से आते हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहां पर आपको फिल करनी है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप दिव्यांग हैं या नहीं, तो आपको यस या नो कर देना है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू डूइंग
डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, क्या आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो सेम स्टेट में कर रहे हैं यानी आपके खुद के राज्य में ही कर रहे हैं या नहीं। तो आपको यस कर देना है अगर आप उसी राज्य में अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही राज्य में, तो आपको यस करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको यस या नो कर देना है। अब यहां पर दोस्तों माइनॉरिटी का ऑप्शन है, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको यस करके सेलेक्ट करना है कि आप क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी आप हैं वो यहां पर आप फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हिंदू हैं तो आपको इसे नो रहने देना है। अब यहां पर दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, आपके पास पैन कार्ड है, तो यहां पर आप अपने पैन कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिक आपका नंबर फेच कर लिया जाएगा। अब दोस्तों आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनका नाम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई और भी सदस्य है जो आपके आधार कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं है, उसे भी आप यहां पर ऐड करना चाहते हैं, तो उसे आप ऐड रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो आपके सामने यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आपसे आपका करंट एड्रेस पूछा जा रहा है और दोस्तों यहां पर नीचे ऑप्शन दो है, सेम एज आधार एड्रेस या अदर, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी एड्रेस पर आप फिलहाल रह रहे हैं या नहीं। अगर आपके आधार कार्ड में भी वही एड्रेस है और वही आप रह रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपसे पूछा जा रहा है, डू यू केम अंडर ग्राम पंचायत, क्या आप ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं यानी आप गांव के निवासी हैं। तो दोस्तों आपको यस पर क्लिक करना है अगर आप गांव से हैं, और अगर आप शहर से हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपनी डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। अब दोस्तों हम ग्राम पंचायत से हैं तो हमें यस पर क्लिक करना है और यहां से हमें सबसे पहले अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन आपके आधार कार्ड में अलग एड्रेस है और आप रहे अलग जगह रहे हैं तो आपको अदर वाला ऑप्शन फिल करके उस एड्रेस को फिल कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोफेशन या ट्रेड क्या है यानी आप क्या काम करते हैं। अब दोस्तों यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अनेक प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। आप बार्बर यानी नाई हैं या आप ब्लैकस्मिथ यानी लोहार हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो भी काम करते हैं वो सभी प्रकार के जो काम हैं आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों जो भी काम आप करते हैं उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप धोबी हैं, दर्जी हैं, कुम्हार हैं, जो भी आप है, राजमिस्त्री हैं, सुनार हैं, दोस्तों जो भी आप काम करते हैं उस काम को यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हम दर्जे वाले ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर जब आप सब ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दर्जी में आपको कोई भी सब ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों फिलहाल यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आप किसी अन्य ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम राजमिस्त्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सब ट्रेड के सामने स्टार का ऑप्शन आ गया है। तो अब आपको सब ट्रेड सेलेक्ट करनी जरूरी है। अब आपको यहां पर क्लिक करना है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप राजमिस्त्री तो हैं लेकिन आप किस कैटेगरी से आते हैं, ब्रिक या फिर प्लास्टर टाइल। तो दोस्तों जिस भी कैटेगरी के राजमिस्त्री का आप काम करते हैं यानी आप टाइल का काम करते हैं, टाइल लगाते हैं, इसके अलावा आप प्लास्टर करते हैं या फिर आप चिनाई करते हैं, तो दोस्तों जिस भी प्रकार के आप राजमिस्त्री हैं वो आपको यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको टिक करना है और डिक्लेयर करना है कि जो आपने प्रोफेशन सेलेक्ट किया है ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका फैमिली प्रोफेशन है। दोस्तों मैंडेटरी है, आपको टिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये आपका बिजनेस है ये आप किस जगह पर कर रहे हैं, किस एड्रेस पर कर रहे हैं। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है अगर आप उसी जगह ये काम कर रहे हैं तो आपको
सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अगर आप यह काम करंट एड्रेस पर कर रहे हैं यानी जो आपका फिलहाल का पता है उस पर कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेकिन आप काम न तो आधार वाले एड्रेस पर कर रहे न ही आपके वर्तमान पते पर कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको उसकी डिटेल दे देनी है कि आप किस जगह ये काम कर रहे हैं, उसका हाउस नंबर या फिर लोकेलिटी यानी नियर बाय कहां पर है। इसके अलावा दोस्तों आपके बिजनेस की स्टेट क्या है यानी किस राज्य में आप यह काम कर रहे हैं, इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं वो डिटेल आपको फिल कर देनी है। अगर सेम एज आधार एड्रेस है तो आपको यहां पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपसे क्रेडिट स्पॉट इंफॉर्मेशन डिटेल मांगी जा रही है। सबसे पहले सेविंग बैंक डिटेल यानी आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने बैंक का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहां पर फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे और यहां पर जब नेम ऑफ ब्रांच पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के लिए तो आपकी ब्रांच का नेम ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहां पर आपको लिखना है। फिर से दोबारा से यहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे आना है और यहां पर आप देख सकते हैं क्रेडिट स्पॉट यानी अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस योजना के तहत आपको लोन की जानकारी दी गई है कि सबसे पहले आपको 1,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है जो कि 5% इंटरेस्ट पर यानी 5% के ब्याज पर यह जो लोन है आपको दिया जाएगा। 18 महीने के अंदर आपको यह जो लोन है वापस जमा करना पड़ेगा और दोस्तों यह लोन जमा होने के बाद आप 2,00,000 तक का दूसरा लोन ले सकते हैं जिस पर आपको 5% फिर से ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा और यह जो लोन है आपको 30 महीने में जमा करना है। तो दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आप 1,00,000 तक का शुरुआत में लोन ले सकते हैं। 18 महीने में यह जो लोन है आपको वापस जमा करना पड़ेगा, 5% इंटरेस्ट यानी 5% ब्याज इस लोन पर लगने वाला है। और दोस्तों जब यह लोन आप जमा कर देंगे 1,00,000 वाला तो फिर आप 2,00,000 के लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 5% ब्याज इस लोन में भी लगेगा और 30 महीने के अंदर आपको ये जो लोन है इसकी पेमेंट आपको करनी होगी। दोस्तों अगर ये लोन आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन है मे बी लेटर, आपको इस पर क्लिक करके इसे यस कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहां पर लोन की अमाउंट फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पहली बार 1,00,000 तक का लोन ले सकते हैं और कम से कम 50,000 का लोन आप ले सकते हैं, यानी कि कम से कम आपको 50,000 का लोन लेना पड़ेगा और अधिक से अधिक पहली बार जो आपको लोन मिलेगा वो 1,00,000 तक का लोन दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको जितना भी लोन लेना है 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, 1,00,000 का, वह जो अमाउंट है वो यहां पर आप फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो लोन आप ले रहे हैं वो अगर आप उसी बैंक अकाउंट में चाहते हैं जो आपने ऊपर फिल किया था तो आपको इसे सेम एज सेविंग रहने देना है और आपको यहां पर बताना है कि आप लोन किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, इनमें से जिस कारण से भी आप लोन ले रहे हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप तीनों कारण से लेना चाहते हैं तो तीनों पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल यहां पर आपको फिल कर देनी है, लेकिन दोस्तों आप लोन लेना नहीं चाहते हैं तो आपको इसे यस नहीं करना है, मे बी लेटर रहने देना है, इसी प्रकार इसे आपको छोड़ देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है क्या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यानी आप डिजिटल जो फोन पे गूगल पे इस प्रकार की कोई ऐप यूज करते हैं, तो दोस्तों आपको इसे यस कर देना है। अगर आप यूज करते हैं यस करने के बाद आपको नीचे आना है और आपको ऐड रो पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों आपको अपनी यूपीआई आईडी फिल करनी है और जिस मोबाइल नंबर से आपने अपनी यूपीआई आईडी बना रखी है वो मोबाइल नंबर यहां पर आपको फिल कर देना है। अगर दोस्तों आप यूपीआई आईडी फिल नहीं करना चाहते तो इसे नो रहने देना है और नीचे आकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आप स्कीम बेनिफिट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर
आपको बताया जा रहा है स्किल ट्रेनिंग के बारे में। यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बेसिक 5 डेज स्किल ट्रेनिंग और एडवांस 15 डेज स्किल ट्रेनिंग। अब दोस्तों आपको 5 और 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों टूलकिट के बारे में जानकारी दी गई है कि आप रजिस्टर्ड होने के बाद और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको 15,000 रुपए की ग्रांट भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मार्केट स्पोर्ट के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार की मार्केट स्पोर्ट चाहते हैं तो यहां पर आप डिटेल फिल कर सकते हैं कि किस प्रकार की आप यहां पर स्पोर्ट चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको अनेक प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको स्पोर्ट चाहिए है वो यहां पर आप टिक करके फिल कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन का। अब यहां पर आपको जो डिटेल दी गई है वो आपको एक बार रीड कर लेनी है। डिटेल रीड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहां पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। अब दोस्तों आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों डन पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार की डिटेल यहां पर दिखाई गई है। अब दोस्तों यहां पर आपको बताया गया है कि इसके अंदर आपको 15,000 रुपए का फ्री वाउचर दिया जाएगा, यानी 15,000 रुपए का एक वाउचर आपको दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप जो भी टूल किट खरीदना चाहते हैं अपने प्रोफेशन से संबंधित वो आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको और भी डिटेल दिखाई गई हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर आप अपने फॉर्म को अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत, यानी कि जो आपने अब रिक्वेस्ट लगाई है वो सबसे पहले आपके गाँव में ही आपके सरपंच के पास जाती है, प्रधान के पास जाती है, मुखिया के पास जाती है। तो दोस्तों उन्हीं के माध्यम से शुरुआती स्टेज में आपकी एप्लीकेशन को एस्पेक्ट किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। अब दोस्तों इसे अप्रूव करवाने के लिए आपको अपने गांव के सरपंच या मुखिया के पास चले जाना है और आपको बताना है कि हमने आवेदन किया है, इसे आप अप्रूव कर दीजिए, अपनी तरफ से पास कर दीजिए। तो दोस्तों इसका प्रिंट आउट आप ले जा सकते हैं। प्रिंट आउट आपको कैसे निकालना है चलिए आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन की आपने शुरुआत में KYC आधार कार्ड के माध्यम से कंप्लीट कर दी है, रजिस्ट्रेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, अब केवल अप्रूवल बाकी है। यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं डाउनलोड योर एप्लीकेशन। अब यहां पर क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। PDF आपके फोन में आ ही चुका है, कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव हो गया है, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पंचायत लेवल पर होगी, सरपंच के माध्यम से यानी प्रधान या मुखिया के माध्यम से आपकी जो वेरिफिकेशन है वो शुरुआती स्टेज में की जाएगी। पंचायत लेवल पर वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो वेरिफिकेशन है अधिकारियों के पास जाएगी इस योजना से संबंधित, और फिर दोस्तों उनके माध्यम से वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद ही दोस्तों जो लाभ है वो आपको मिलने शुरू होंगे, यानी कि दोस्तों आपके काम से संबंधित टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी लाभ इसमें मिलने वाले हैं वो आपको ट्रेनिंग के बाद ही दिए जाएंगे, यानी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके बाद ही आपको ये जितने भी लाभ इस योजना के अंदर दिए गए हैं ये आपको दिए जाएंगे, और लोन भी आप सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ही ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। और दोस्तों इससे संबंधित और भी जो अपडेट रहेंगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि इसके लिए कौन एलिजिबल है और दोस्तों इसमें आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, इसका ऑनलाइन आवेदन आप कैसे
कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस नहीं हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।